हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं भूपेंद्र सिंह राठी आपका आपके अपने चैनल स्किल बुक के अंदर स्वागत करता हूं। तो आइए, आज का हमारा टॉपिक क्या है? डिफरेंट मेथड्स ऑफ रेफ्रिजरेशन के अलग अलग जो विधियां होती हैं रेफ्रिजरेशन इफेक्ट लेने के लिए, वो कितने प्रकार की होती है। रेफ्रिजरेशन का मैंने तुम्हें पहले ही बताया था हमारे सेकेंड एपिसोड में, सेकेंड लेक्चर के अंदर, कि रेफ्रिजरेशन क्या होता है, कि कोई ऑक्यूपाइड स्पेस होता है, यानी कि कोई बंद जगह होती है, उसके अंदर का जो टेम्परेचर है वो बाहर के टेम्परेचर से डाउन करना ही रेफ्रिजरेशन कहलाता है। कि वो अपने सराउंडिंग का जो टेम्परेचर होता है एटमोस्फेरिक का, उससे नीचे किसी स्पेस के अंदर, किसी बॉडी के अंदर या किसी मेटेरियल के अंदर से हीट को ट्रांसफर कर देंगे बाहर की तरफ, तो यहाँ का टेम्परेचर डाउन हो जाएगा। ठीक है, तो ये रेफ्रिजरेशन कहलाता है। ठीक है, अब हमने रेफ्रिजरेशन का तो पता चल गया कि रेफ्रिजरेशन क्या होता है, कि जो किसी स्पेस के अंदर से हीट को निकाल के बाहर छोड़ देता है और यहाँ का टेम्परेचर डाउन होता है। लेकिन वो किन किन मेथड्स के द्वारा, किन किन विधियों के द्वारा वो हम कर सकते हैं, तो वो जो मेथड्स होते हैं रेफ्रिजरेशन इफेक्ट लेने के लिए, ठंडक उत्पन्न करने के लिए, तो वो क्या है, हम 10 तरीके से, 10 टाइप्स, 10 तरीके हैं हमें ठंडक उत्पन्न करने के, तो वो लिखे हुए हैं हमने। पहला तरीका क्या है कि वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन, और सेकंड है हमारा वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन, थर्ड है आइस रेफ्रिजरेशन, फोर्थ है ड्राई आइस रेफ्रिजरेशन, फिफ्थ है वाटर वेपर सिस्टम, सिक्स स्टीम जेट रेफ्रिजरेशन, सेवन गैस थ्रोटलिंग रेफ्रिजरेशन, एट लिक्विड गैस रेफ्रिजरेशन, नाइन एयर एक्सपेंशन रेफ्रिजरेशन, टेंथ थर्मो इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेशन। तो ये 10 टाइप्स हैं जो हम विधियां ठंडक इस्तेमाल करने के लिए करते हैं। कहां पे? किसी स्पेस के अंदर से हीट को रिमूव करने के लिए ये 10 टाइप्स के तरीके हम इस्तेमाल करते हैं, जिनसे फिर हमें ठंडक मिल जाती है। तो ये जितनी भी हैं टाइप्स, ये किस प्रिंसिपल पे, किस सिद्धांत पे काम करती हैं, वो हमारा क्या है, एवपोरेशन का सिद्धांत है। एवपोरेशन का सिद्धांत क्या होता है, जैसे मान लो हमारा पेट्रोल है, पेट्रोल का बॉइलिंग पॉइंट के बारे में मैंने आपको बताया था इसमें, कि वो क्या होता है, उबाल बिंदु, कि वो जितने पे बॉइल हो जाए, यानी कि लिक्विड फॉर्म से जब वेपर्स में चेंज होता है, उबल जाता है वो। जैसे पानी का उबलने का टेम्परेचर कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस है, उसी टाइप से पेट्रोल का कितना है, 35 डिग्री सेल्सियस होता है। तो वो उतना बॉइलिंग पॉइंट अपना मिलने के बाद वो वेपर फॉर्म में आ जाता है। तो जैसे हम पेट्रोल को अपनी हथेली पर डालते हैं, डालने के बाद क्या होता है कि हमें थोड़ा ठंडा फील करते हैं हम उसको। वो ठंडा फील किस लिए करते हैं, कि जब लिक्विड फॉर्म में पेट्रोल यहां पर गिरता है हमारी हथेली पर, तो हमारी बॉडी टेम्परेचर 98.4 डिग्री फारेनहाइट में बताया था, जो अप्रोक्सीमेट 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास है, और पेट्रोल का बॉइलिंग पॉइंट कितना है, 35 डिग्री। तो इसका मतलब हमारी बॉडी का टेम्परेचर कितना है, 2 डिग्री उससे ज्यादा है जो उसका पेट्रोल का बॉइलिंग पॉइंट है। तो वो जब पेट्रोल यहाँ पे लिक्विड फॉर्म में गिरता है, तो अपना बॉइलिंग पॉइंट लेके और एवपोरेट हो जाता है, कि हमारी हथेली के अंदर से तो हीट ले ली उसने और वो खुद एवपोरेट हो गया, यानी कि उसके वेपर्स बन गए, जो लिक्विड में था उसके वेपर्स बन गए, इसलिए हमारी हथेली पे ठंडक महसूस होती है। ठीक है, वेपर्स बनने का ये प्रिंसिपल कहलाता है एवपोरेशन का। ठीक है, तो ये जितने भी 10 टाइप्स के सिस्टम है, ये हमारे क्या कहलाते हैं, ये प्रोसेस है, मेथड्स है, विधियां हैं जो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट प्राप्त करते हैं हम इनको। ठीक है, अब नेक्स्ट बातचीत करते हैं, क्या
कि इनमें सबसे ज्यादा जो हमारा इस्तेमाल होता है वो क्या है, वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम, इस वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम के अंदर चार क्रियाएं मेन होती हैं जिनसे हमें रेफ्रिजरेशन इफेक्ट मिलता है। फर्स्ट कौन सी है, कंप्रेशन। सेकंड कंडेंसेशन, थर्ड एक्सपेंशन और फोर्थ वेपोराइजेशन। अब कंप्रेशन क्या है, कंप्रेशन को समझने के लिए मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं कि जैसे हम किसी साइकिल में जब टायर में हवा भरते हैं, साइकिल के अंदर एक साइकिल का पंप देखा होगा आपने, सबने देख रखा होगा कि उसके अंदर क्या करते हैं, एक अंदर पिस्टन टाइप में होता है और बाहर एक सिलेंडर सा होता है, ठीक है, और आगे एक ट्यूब लगी हुई होती है। वो किस टाइप से होती है, ये छोटा सा डायग्राम मैं बना के दिखा देता हूं आपको, कि यहां पे एक वो बॉल होता है और ऊपर ये स्पिंडल और ये हैंडल हमारा लगा होता है और यहां पे एक ट्यूब लगी होती है जिसको हम साइकिल के टायर के साथ या उस ट्यूब में जिसमें हवा भरनी है वो करते हैं। तो कंप्रेशन क्या होती है, इसमें जब ये ऊपर की तरफ जाता है, पंप को हम जैसे ऊपर की तरफ खींचेंगे, ठीक है, तो इसमें जितना ये फिल, ये खाली स्थान हो जाएगा। अब ये जो नीचे का इसका बुश टाइप में होता है, ठीक है, अब ये क्या होगा, जब इसको खींचेंगे तो ये ऊपर चलता चला जाएगा, हमारा कहां पे पहुंच जाएगा, ये पहुंच जाएगा कहां थी ये पोजिशन, तो इतनी एयर इसके अंदर फिल हो चुकी है, ठीक है। अब क्या करते हैं, वापिस जब आप इसको खींचते हैं तो बड़े आसानी से आराम से खींच जाता है। अब वो एयर इसके अंदर भर गई, ठीक है, फिल हो गया, पूरा जो सिलेंडर टाइप में है वो गोल गोल इतना, ठीक है, वो फिल हो गया। अब इसको वापिस हम दबाते हैं, प्रेस करते हैं नीचे की तरफ, तब कितना दबाव लगता है, तभी हमारी ज्यादा मतलब पावर लगती है इसको दबाएंगे। तो इस हवा को, एयर को हम क्या करते हैं, कंप्रेस कर रहे हैं, यानी कि उसको दबा रहे हैं, तब वो प्रेशर से जाके ट्यूब के अंदर, जो यहां पे ट्यूब लगी हुई है साइकिल का रिम है, उसके अंदर जो ट्यूब होती है, उस ट्यूब में धीरे धीरे हवा फिल करने लग जाते हैं। कि हम ये धीरे धीरे प्रोसेस करते रहेंगे ना, कि कभी इसको ऊपर ले जाएंगे फिर दबाएंगे, तो ये क्या है, ये हो रहा है कंप्रेशन, कि हम किसी चीज को दबा दें और उसको एक निकलने का रास्ता दे दिया और निकल के वो वहां पे चली गई। तो कंप्रेशन क्या है, कोई एक मैकेनिकल कंपोनेंट है ये, जिसे हम काम में लेके आते हैं, ठीक है। तो ये इस टाइप से कंप्रेशन करता है। यहां पे कंप्रेशन के लिए हमने कंप्रेशर लगा रखा है, वो कंप्रेशर यही काम करता है, ठीक है। सबने फ्रिज में देख रखा होगा, फ्रिज के पीछे एक छोटा सा मोटर लगी होती है जिसमें ब्लैक ब्लैक सी होती है, वो होता है कंप्रेशर। वो कंप्रेशर इसी प्रक्रिया को करने के लिए, इसी क्रिया को करने के लिए कंप्रेशन की को वो लगाया गया है। तो वो इस टाइप में काम करता है कि उसके अंदर पिस्टन होता है, यहां हमने एक शो करने के लिए, समझाने के लिए कि एक साइकिल की दुकान पर जैसे हम टायर के अंदर हवा भरते हैं, तो कंप्रेशन का काम क्या है, वो आराम से खींचा दबा दिया, ये दबाना ही कंप्रेशन कहलाता है, ठीक है। इसके बाद हमारा क्या है, कंडेंसेशन। अब कंडेंसेशन क्या है, कंडेंसेशन है अगर कोई, मान लो यहां हमने ये बर्तन ले लिया, बर्तन के अंदर लिक्विड है, पानी है, अब इस पानी को हमने गर्म कर दिया, इससे किससे, हीट देके, ये हीट सिंक यानी कि मेन सोर्स हो गया ये, और पानी को हमने गर्म कर दिया, पानी क्या है, बॉयल हो जाएगा कितने पे, 100 डिग्री सेल्सियस पे इसके वेपर्स बनने शुरू हो जाएंगे। अब ये वेपर फॉर्म में यहां पे आ गया,
बॉइलिंग पॉइंट मिलने के बाद ये वेपर्स फॉर्म में आ गया। मान लो अगर ये वेपर्स ऊपर की तरफ उठ रहे हैं और मैं कोई ढक्कन रख देता हूं यहाँ पे, घरों में सबने पता है कि जब हम पानी को गर्म करते हैं अगर उसके ऊपर कोई ढक्कन लगा देते हैं, एक तो वो जल्दी उबलता है, दूसरा जब भाप बाहर निकलती है, अब ये यहां पे हमने एक ढक्कन या कोई भी चीज फ्लैट वाली लगा दी जिससे भाप जाके टकरा रही है, तो तुमने देखा होगा कि भाप जो टकराती है उसके बाद वो पानी की बूंदे दोबारा बन जाती हैं और वापस बर्तन के अंदर गिरनी शुरू हो जाती हैं। तो वेपर्स थे, अब ये कैसे बदले, वेपर्स जो यहां पे टकराए थे ऊपर जाने के बाद इन्हें ये जगह मिल गई और यहां पे वेपर्स के अंदर जो हीट दी थी वो हीट यहां से निकल गई इसके अंदर से। अब वेपर्स की हीट निकल गई तो ये वापस क्या है, लिक्विड फॉर्म में आ गए वेपर्स से। तो जो ये प्रक्रिया हुई है कि यहां पे हीट रिजेक्शन होगी, यहां तो हीट दी थी तो लिक्विड वेपर्स में बदल गया, लेकिन इन्हीं वेपर्स की अगर हम गर्मी को हीट को अगर निकाल देते हैं तो वो वापस पानी की फॉर्म में आ जाएगा, यानी कि लिक्विड आ जाएगा, जो वेपर्स बने हुए थे वो लिक्विड फॉर्म में वापस आ जाएंगे। तो ये वेपर्स में, वेपर से लिक्विड के अंदर जो बदलने की प्रक्रिया है इसकी, ये क्या कहलाती है, ये कहलाती है कंडेंसेशन, कि वेपर्स चेंज इनटू लिक्विड फॉर्म। पहले वेपर्स बने, उसके बाद वेपर्स कैसे बने कि वो हीट लेके वेपर्स बने, वेपर्स के अंदर से जो हीट इन्होंने ली थी वो हमने हीट फिर रिजेक्ट कर दी, रिजेक्ट करने के बाद क्या है, ये वेपर्स थे वापिस लिक्विड फॉर्म में आ गए। तो कंडेंसेशन के अंदर यही प्रक्रिया होती है कि जो वेपर्स होते हैं उनकी हीट निकल जाती है, रिजेक्ट हो जाती है, रिमूव हो जाती है और वो वापस क्या है, लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाती है, क्या रेफ्रिजरेंट जो भी हुआ, ठीक है। तो इस प्रक्रिया को हम कंडेंसेशन कहते हैं। नेक्स्ट हमारी क्या है, एक्सपेंशन। एक्सपेंशन क्या है, एक्सपेंशन से आप समझ रहे होंगे एक्सपेंड होना, फैलाव करना, प्रसार होना, कि कोई चीज अगर कम स्पेस में थी और आगे जाके वो फैल गई। मान लो हमारे यहां पे एक समझाने का तरीका बता रहा हूं, बाकी और मैं बताता हूं। ये एक रूम है, बाहर काफी पब्लिक खड़ी हुई है, अब वो भीड़ क्या करती है, धक्का मुक्की करती रहती है कि मुझे इसके अंदर रूम में सबसे पहले जाना है। अब यहां तो पब्लिक भीड़ में एक दूसरे के ऊपर धक्का मुक्की करते रहते हैं, अगर ये पूरा सिस्टम खुल जाए, यहां की दीवार ना हो, तो भीड़ क्या है आराम से चली जाएगी, लेकिन यहां पे इनको रोकने के लिए एक बैरिकेड या एक दरवाजा लगा रखा है, और यहां जो दरवाजा लगा रखा है उसमें ये रेस्ट्रिक्शन है कि एक टाइम पे एक ही बंदा कहां पे जाएगा, अंदर जाएगा, यहां से एक बंदा ही अंदर जाएगा। अब जो वो व्यक्ति जो बाहर इतनी भीड़ में था, तो यहां पे उसको बैरिकेड लगा के रोक दिया गया कि एक बंदा इस दरवाजे के अंदर से जाएगा। अब उसको अंदर खाली जगह मिल गई तो वो आगे क्या करता है, एक किस्म की राहत महसूस करता है कि मैं भीड़ में फंसा हुआ था और अब मुझे खुली जगह मिल गई। तो ये रेस्ट्रिक्शन है जो यहां पे बैरिकेड लगा दिया, इसकी वजह से ये रुकावट करके कि यहां पे बिल्कुल च्वाइस करके बंदों को हम अंदर भेज रहे हैं कि एक बंदा ही जाएगा तो इसको काफी जगह मिल जाती है अंदर। ऐसे ही धीरे धीरे करके एक एक दो दो पर्सन आते रहेंगे और जो भी काम है, कहीं उन्होंने कुछ काम करना था अंदर जाके और दूसरे दरवाजे से क्या हुआ, एग्जिट हो गई, ठीक है, अंदर स्पेस बनता रहा, वो धीरे धीरे करके जैसे ये काम करते रहेंगे और अपना काम करके बाहर निकलते रहेंगे, इन्होंने जब देखा कि इनका काम हो गया तो दूसरे बंदे को अंदर जाने देंगे। तो यहां पे जाके ये तो भीड़ के इलाके में फंसे हुए थे, यहां जाके इनको राहत मिलती है।
तो उसको क्या हुआ, एक खुला स्थान मिल गया। तो यही इसी टाइप की प्रक्रिया हमारे रेफ्रिजरेशन सिस्टम के अंदर होता है कि कोई चीज प्रेशर से जा रही थी, उसको हमने उस पूरे प्रेशर को नहीं जाने दिया, उसमें एक रुकावट डाल दी, उसका जाने का रास्ता था वो कम कर दिया हमने। ठीक है, मान लो जैसे एक इसी का उदाहरण ले लेते हैं। ठीक है, ये हमारा स्प्रे की है। ठीक है, तो ये स्प्रे की मशीन है, इसमें लिक्विड भरा हुआ है, काफी मात्रा में है। ये पंपिंग के द्वारा यहां से क्या होता है, ये बाहर निकलने को, लेकिन पूरा का पूरा इसको दबाऊंगा तो पूरा लिक्विड बाहर नहीं निकलता। कितना निकलेगा, जितना इसका हमने रास्ता बना रखा है। ठीक है, तो अगर मैं इसको ऐसे दबाऊंगा तो क्या होगा, ये आ गया। ठीक है, तो यही काम होता है कि लिक्विड को हमने यहां पे रुकावट डाल दी और वो जाके, अब ये आप देख रहे हो लिक्विड क्या है, ये फैल रहा है। तो ये होती है एक्सपेंशन, कि ये एक्सपेंड हो गया बाहर आके और वेपर फॉर्म में बन गया। देखो, लिक्विड था, बाहर आके क्या है, ये वेपर्स बन गए इसके, क्योंकि उनको अपना बॉइलिंग पॉइंट मिल गया। तो एक्सपेंशन का काम क्या है, कि हम किसी चीज को नाप तोल के आगे भेजें, वो एक्सपेंड हो जाती है फिर, तो ये एक्सपेंशन कहलाती है। अब है वेपोराइजेशन, ये हमारा क्या था, एक्सपेंशन। इसके बाद आता है पॉइंट क्या, वेपोराइजेशन। अब वेपोराइजेशन क्या है, जो हमने ये प्रक्रिया पहले की थी यहीं पे है वो वेपोराइजेशन। ठीक है, कि जितनी ये भीड़ थी, ठीक है, अब इस भीड़ को हम मान लेते हैं लिक्विड, कि ये लिक्विड है और इसका हमने एक रास्ता, जैसे हमने दिखाया इस स्प्रे के अंदर, कि उसका एक रास्ता हमने कंट्रोल कर दिया कि भाई इतनी ही चीज अंदर क्वांटिटी के अंदर जाएगी। ठीक है, अब मान लो कोई पर्सन लगा लो इसको, भीड़ को कोई आदमी लगा लो, एक एक आदमी यहां पे है और यहां कोई सामान रखा हुआ है, यहां मान लो कोई सामान रखा हुआ है और उस सामान को हमने कहीं पहुंचाना है। ठीक है, अब एक एक बंदा आएगा, वो क्या करेगा, जैसे ये सामान रखा था, उसने इस सामान को क्या किया, पिक किया यहां से उठा के और एग्जिट होके कहां चला गया, ये चला गया। दूसरा बंदा आया, दूसरे ने ये सामान लिया, वो भी बाहर चला गया, यहां से एग्जिट हो गया। तो धीरे धीरे सब क्या है, अपना काम करते रहेंगे कि इसके अंदर, जो इस स्पेस के अंदर सामान रखा हुआ था वो लेके निकल गए। अब ऐसे ही हम मान लेते हैं कि अब ये लिक्विड है, लिक्विड को भी हमने कंट्रोल करके आगे भेज दिया और यहां पे सामान की जगह हीट है, यानी कि ऊष्मा है, गर्मी जिसको हम कहते हैं। तो उस लिक्विड ने यहां पे इस ऊष्मा को अपने अंदर एब्जॉर्ब किया या उठा लिया उसको और यहां से लेके बाहर निकल गए। तो ये जो प्रक्रिया है, पहले अंदर क्या था, ये लिक्विड अंदर एंटर किया, अब लिक्विड को यहां पे हीट मिल गई, तो हीट मिलने के बाद क्या होगा, वो वेपराइज्ड हो जाएगा, यानी कि उसके वेपर्स बन जाएंगे और वो अपना काम करके इस रास्ते से निकल जाएगा। धीरे धीरे जितनी भी हीट थी यहां पे, वो क्या होगा, वो कम हो जाएगी। अगर हीट ज्यादा थी तो यहां पे टेम्परेचर बढ़ा हुआ था, धीरे धीरे हीट निकाल देंगे तो टेम्परेचर क्या है, डाउन हो गया। अब ये डाउन होने के बाद तभी हमें मिलता है टेम्परेचर। तो ये जो प्रक्रिया हुई कि लिक्विड कैसे बदल गया, हीट को अपने अंदर लेके वेपर्स में बदल गया, और पहले क्या हुआ था, वेपर्स जो थे उनके अंदर हीट थी, उनको बाहर निकाल दिया, तो बाहर निकालने के बाद क्या हुआ, वेपर्स लिक्विड में बदल गए। तो वो था कंडेंसेशन, के वेपर्स चेंज इनटू लिक्विड फॉर्म आफ्टर हीट रिजेक्शन, के अपनी अंदर की हीट निकाल के वेपर्स लिक्विड में बदल गए। लेकिन एक्सपेंशन के ऑपरेशन के अंदर क्या होती है, इसका उल्टा होता है, कि यहां पे जो लिक्विड था उसने अपने अंदर हीट को एब्जॉर्ब कर लिया, बॉइलिंग पॉइंट मिल गया, तो वो वेपर्स में चेंज हो गया और अपना काम करके निकल गया। तो यहां इस एरिया के अंदर फिर धीरे धीरे क्या है,
ठंडक उत्पन्न हो जाएगी। तो ये चार प्रोसेस हैं हमारे जो वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम के अंदर इस्तेमाल होती है ये क्रियाएं। तो उस चार क्रियाओं का क्या नाम है, कंप्रेशन, कंडेंसेशन, एक्सपेंशन और वेपोराइजेशन। तो आज के लिए इस टॉपिक में बस इतना ही है। नेक्स्ट में हम पूरा एक डायग्राम बनाएंगे और उसके अंदर इसकी पोजीशन देखेंगे कि कहां ये प्रक्रिया होती है, कौन से लॉज वगैरह इसमें काम करते हैं। तो ठीक है बच्चों, और अच्छा लगे तो कमेंट्स, सब्सक्राइब और कोई सजेशन हो तो उसके लिए बिल्कुल आप आमंत्रित हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।